सपा के दावेदारों की दौड़ तेज हो गई है। कहा जा रहा है की सपा नेतृत्व तो भी विधानसभा वार बैठक कर रहा है। लगातार सपा सांसदों के परिवार पर दाव खेलने में जुटी है और निवर्तमान विधायकों के परिवार पर भी दाव खेलने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। कुछ सीटों पर जमीन से जुड़ने के संकेत भी हैं। प्रमुख ने दिए कहा जा रहा है कि अपनी सीटों पर दोबारा काबिज होने पर सपा का विशेष फोकस है। सपा सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी पर दाव लगा सकती है, वही कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी पर मोहर लग सकती है कहा जा रहा है। वही कुंद्रकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है की हाजी रिजवान और पूर्व मंत्री और अकीलुर रहमान की चर्चा की जा रही है। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा का दाव मजबूत देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कई सीटों पर कहा जा रहा है कि उनके परिवार के ही सदस्य लड़ सकते हैं, विशेष फोकस किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिये, उपचुनाव को लेकर सपा के दावेदारों की दौड़ अब तेज हो गई है। फोकस किया जा रहा है सपा नेतृत्व तो भी विधानसभा वार बैठक करें। लगातार देखिए बैठक चल रही है, मंथन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सपा सांसदों के परिवारों पर दांव खेलने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और कुछ सीटों पर जमीन में जुटने के संकेत भी सपा प्रमुख ने दिए हैं। तो अपनी सीटों पर दोबारा काबिज होने पर सपा का विशेष फोकस होगा। 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के साथ थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए समाजवादी पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीति बना रही है, क्या कुछ अपडेट है? उपचुनाव को लेकर के दोनों ही दल अपनी अपनी जो प्राथमिकता है वो तय कर रहे हैं और दोनों ही दल स्थलीय जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, उनके दौरों पर दौरे शुरू है, तो ऐसे में विधानसभा वार लगातार जो पूर्व सीएम हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं और बैठकों की साथ साथ कार्यकर्ताओं का मन भी टटोल रहे हैं, क्योंकि 10 की 10 सीटें पर उपचुनाव होना है। ऐसे में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में थी 22 के विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं, तो ऐसे में उन 5 सीटों में कोई कमी न रहे और 10 की 10 सीटें गठबंधन के साथ कैसे जीती जा सके उसको लेकर के विशेष फोकस है। और यही वजह है कि करीब 5 सीटों पर जो उनके कैंडिडेट के नामों की घोषणा भले ही आधिकारिक तौर पर न की गई हो नंदिनी, लेकिन अभी भी उनके कैंडिडेटों को जो चयन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है और जल्द ही आने वाले समय में जैसे ही तारीखों का ऐलान किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा वैसे ही नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। अगर बात करें मिल्कीपुर की, तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, वहां पर अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद हुए हैं उनके बेटे के नाम पर मोहर लगना लगभग एकदम तय माना जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का उसने नाम को तय कर लिया है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। बात करें अम्बेडकर नगर की, तो कटहरी की, तो वहां पर अभी तक बेटी के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब पत्नी के नाम पर भी मंथन किया गया है। कहा जा रहा है कि बेटी के साथ साथ अगर पत्नी का में कोई दिक्कत आती है तो पत्नी को चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। वही बात करें कादिर राणा की पश्चिम की सीट से, या फिर बात करें सफिकुल रहमान की, ये तमाम ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि मझावा सीट को लेकर के मंथन अभी भी तेज है कि वहां पर पिछली बार 22 के चुनाव में वहां पर दलित चेहरा उतारा गया था, लेकिन अभी तक मझावा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में कभी नहीं आई। ऐसे में इस बार वहां पर ब्राह्मण चेहरा उतार करके नया कार्ड खेलने की जो ये कहा सकता है कि प्रयास है समाजवादी पार्टी का, वो करने का शुरुआत कर रहे हैं। वहीं बात करें फूलपुर सीट की, तो वहां पर मुस्लिम चेहरा 2 बार से उतारा गया था। हालांकि पिछली बार फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं थी और 2500 के वोट से मुस्लिम चेहरा जो था समाजवादी पार्टी का वो हार गया था, लेकिन इस बार वहां पर नया प्रैक्टिकल करने के भी जो प्रयास समाजवादी पार्टी का है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो सीटें हैं उन्हें बरकरार रखी जाए, साथ ही साथ जो अन्य ज्यादा सीटें हैं गठबंधन के साथ उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके कार्यकर्ताओं के उत्साह को और जो है बढ़ाया जाए। कानपुर की सीसामऊ की सीट पर उनकी जो इरफान सोलंकी है, जिन्हें ये कहा जा सकता है कि आयोग घोषित किया गया है सजा की वजह से, अब उनकी पत्नी के नाम पर मोहर लगना लगभग एकदम तय है। आधिकारिक जो पुष्टि है वो जल्द कर दी जाएगी। तो सभी सीटों पर मंथन लगातार जारी है। 5 से ज्यादा सीटें हैं जिन पर नाम तय कर लिए गए हैं। आगे इस पर जो सीटें बाकी हैं उन पर गठबंधन के साथ नाम तय किए जाएंगे। 1 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, हालांकि वो 5 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन 1 से 2 सीटें जा सकती है। बाकी और नामों पर मंथन लगातार जारी है। जी संजय, बिल्कुल। देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन कहा जा रहा है कि पीटीए के साथ साथ समाजवादी पार्टी अपने विधायक गण के परिवारों पर भी दाव खेल सकती है।
अब बिल्कुल उसके पीछे के दो कारण है कि एक तो पीडीए को बरकरार रखना और उसके लक्ष्य और उसके संदेश को बरकरार रखना पहला, दूसरा ये कि आपसी तकरार उपचुनाव में ना बढ़े, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके की सफलता लोकसभा चुनाव में मिली है ऐसे में हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो विधायक बने और विधानसभा में जाकर के वो अपनी बात को क्षेत्र की बात को रखे, तो ऐसे में मनमुटाव आपसी ना बढ़े तो जो जनप्रतिनिधि है उनके परिवार को, खास करके जो पहले से ही वहां पर जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे और अब वो लोकसभा में पहुंच गए हैं, ऐसी 9 सीटें पूरे प्रदेश की हैं, अगर इरफान सोलंकी की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे 9 विधायक लोकसभा पहुंचे हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी जो समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बन के पहुंचे हैं तो उनके परिवार के लोगों को उतारने से वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं में मनमुटाव या आपसी फूटता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस परिवार से वहां का जनप्रतिनिधि रहा है और आगे फिर वो तैयारी चल रही है और पार्टी वहां से फिर उनके परिवार को टिकट दे रही है, तो ऐसे में चुनाव एकजुटता के साथ लड़ा जाए इसको लेकर के भी फोकस किया जा रहा है, तो यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों पर फोकस और अपने परिवार, क्योंकि करहल की बात करें तो करहल में तेज प्रताप यादव को लड़ाने की पूरी तैयारी चल रही है, देखना दिलचस्प होगा कि नाम की घोषणा कब तक की जाती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।